तो ये बॉस है गाइस, और बॉस को ना हम वो नहीं कर सकते, पैरी नहीं कर सकते, हैवी अटैक्स इसके पैरी नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ और सिर्फ डॉज ही करना पड़ेगा। हे गाइस, मेरा नाम है बाबा और मैं खेलता हूँ वीडियो गेम्स। हम खेल रहे हैं डाइंग लाइट 2, बहुत ही बढ़िया ओपन वर्ल्ड पार्कोर ज़ॉम्बी गेम चल रही है। और जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखा उनको मैं जल्दी से एक छोटा सा रिकैप दे दूं। हम एक सिटी में आगे फंस गए, हम अपनी एक छोटी बहन को ढूंढ रहे हैं, तो सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस सिटी में आगे फंस गए, इस सिटी का जो कमांडर है, जो पीस कीपर है आर्मी इनकी, उनका कमांडर चटक चुका है और उन्होंने बोला कि भैया तुमने किया है मर्डर। हमने कहा भैया हमने नहीं किया, हम तो कल ही आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुमने नहीं किया तो पता लगाओ कि किसने किया है। कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका जो पानी है उनको बैंडिट्स ने आके कैप्चर कर लिया है, तो आज जाके वो बैंडिट्स से छुड़वाने चाहते हैं और उसके लिए हमें बॉडीगार्ड बना के लेके जाना चाहते हैं। तो चलो देख के आते हैं कि हम उनकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जानने के लिए देखें पूरा एपिसोड। सो गाइस, यहाँ वो इलाका है जहाँ पे डील होने वाली थी इन बैंडिट्स और बाजार वालों की, और हमें बॉडीगार्ड बना के लेके लेके जाना चाहते थे ये, लेकिन हम लेट हो गए। हम इधर उधर साइड वाइड में साइड मिशंस कर रहे थे, और देखो मैं साइड मिशंस कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था, और मैंने दो हथियार, लेजेंडरी हथियार हासिल कर लिए। हैवी ड्यूटी एक्स मिल गई है, इसको हमने मॉड कर लिया, फुली मॉड कर लिया है, और 48 का डैमेज कर रही है ये, और डे टाइम मेले वेपन डैमेज है इसमें, तो अगर हम डे टाइम मारेंगे तो भैया ज़्यादा डैमेज देगी। और अभी हो रहा डे, तो अभी हम चेंज कर लेते हैं ये हमने निकाल। ओ मजे ही आ गया भैया, जैक एंड जो आ रहे हैं हम, तो जैक एंड जो को निपटा के आते हैं जरा। आया वे, ओए 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 साहब, गेम मुझे कह रहा था आजा आजा आजा, गलत जगह गलत जगह यार, ये सिंगल हैंड है डबल हैंड है, ये देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ रखी है इसने। एक बार चेक कर लेता हूँ, चाहिए दोनों, ये डुअल हैंड है भाई, दो हाथ से पकड़ रखी है इसने एक्स। ओले भैया, हमने सारे फेल लिए बैंडेड, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारी जो एक्स है वो डबल हैंडेड एक्स है। तो अब हम ये चेक करते हैं, ये देखो ये बाजार वाला आया हुआ था, ओ काल को पकड़ लिया, काल बाजार का लीडर है। Susie, where are the crystals? Susie? Oh ho ho. First birdie, now her. Damn. There's nothing you could have done. No. Except that I sent them. What the hell, all right. Joe's men have kidnapped Carl. And I don't see these crystals. तो वो काल को पकड़ के ले गए, और काल जो है वो बाजार का लीडर है, और पिछली बार काल हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था वैसे तो। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो ले गए हैं, और ये कह रही है कि क्रिस्टल ढूंढ ले अगर किसी और बॉडी पर किसी के पास पड़े हो। और देखो सबको मार दिया यार बाजार वालों को, जितने आए थे ना डील करने के लिए। अरे हमें बॉडीगार्ड बना के आए थे, बट हमारे को मिशन दिया ही नहीं इसने। जैसे ही मिशन दिया उसमें फिर हम जैसे ही पहुंचे यहाँ, तो ये कह रहा है कि ये तो गलत बात है ना, अगर तुम हमें बॉडीगार्ड बना रहे हो तो हमारे बिना क्यों स्टार्ट करते हो मिशन। अबे इसको नहीं सर्च करना, दूसरी वाली को करना। ठीक है ये तो, ये मुझे इतना ज़्यादा डेंजरस लग नहीं रहा जितना ये बॉडी में है ना, जितनी इतना बॉडी बना रखी है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि थोड़ा सा डेंजर आदमी है, बट ठीक है मैनेजेबल है ये वाला ज़ॉम्बी। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सब कर ही दिया है चेक। अरे एक बॉडी लास्ट की बची है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ उसको चटका ही देते हैं। अरे इधर आइए जरा, और हमें वो भी आ गया गाइस, जो मैं वो करने की सोच रहा था ना, जैसे ये अगर इसको अगर मैं एक्स दबा के रखूंगा ना ऐसे करके, ओ मैंने गलती कर दी, अगर ये फटेगा तो बाकी के ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। पर ठीक है, अब हमें आग जलानी आ गई है उसमें, ये देखो बेटा आग लगा दूँगा सब में। तो इसको मेरे को लग रहा है चटकाना ही पड़ेगा, ये ऐसे बज नहीं आएगा भाई। आ जा चटका नहीं चटका, अभी चटकेगा। तो
जब ये अपना इतना बड़ा थुनथुना मारने वाला होता है उससे पहले हम डॉज कर लेंगे तो शायद बच जाएंगे। हाँ बच गए ना, पर टाइमिंग का खेला सारा, सारा टाइमिंग का खेला। साले ने पहले बहुत डरा था हमें, हमें आ गया इसका वो लड़ना आ गया, इससे लड़ना आ गया। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ना ये वाला भी जॉम्बी जो है म्यूटेट होना शुरू हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल फॉर्म में, कभी इसमें आग लग जाएगी, कभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला आ जाएगा, नए नए टाइप के आने लग जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे शायद एक मीटिंग के लिए बुलाया है ये सोफी ने, और ये देखो उसका ये बॉडी गार्ड है भाई खतरनाक वाला। गूंगे से बात करने की कोशिश, गुर गुर। ठीक है भाई, तो अभी हम वेट करते हैं और सोफी का इंतजार करते हैं। मिया? तो बीच में एक कट सीन ऐसा आया है, अभी हम फ्लैशबैक में चले गए अपने सपने में, क्योंकि जैसे ही इसको सपने आते हैं तो इसको अपनी बहन की याद आती है। और यार ये पूरी गेम हम अपनी बहन को ही ढूंढ रहे हैं, उसी पे बेस चल रही है। सिटी टू सिटी जाके हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए अपनी बहन से, और बचपन में खो गई थी। और देखो ये एक साइंटिस्ट ने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, उसके चक्कर में खोई है वो। ये देखो अभी ये अपनी फ्लैशबैक में उसकी आवाज को ढूंढ रहा। और क्या हम फ्लैशबैक में भी लूट कर सकते हैं? नहीं भैया, फ्लैशबैक में लूटिंग नहीं। अरे बाप रे, इसको धीरे धीरे करके इसकी मेमोरीज अनलॉक हो रही हैं और याद आ रही हैं कि लास्ट में क्या हुआ था। कोई तो एक ब्लास्ट हुआ था जिसके चक्कर में ये दोनों सेपरेट हो गए थे, ये अलग रास्ते चला गया था और वो जो डॉक्टर है वो इसकी बहन को उठा के ले गया था। वॉल्ट्स नाम का गुंडा है जितना अभी तक हमें पता चला। लो भैया, I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked. इसका भाई कार्ल भाई, खतरनाक। I let him lead. नहीं कार्ल नहीं, इसका नाम बार्नी था, बार्नी। हाँ तो ठीक है, अभी हम इससे पूछते हैं कि भैया नेक्स्ट क्या है। From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, अगर मेरे बिना क्यों स्टार्ट किया तुमने? मैं अगर वहां पहुंचा नहीं था तो तुम लोगों ने स्टार्ट क्यों किया? In case you change your mind. तो इसमें ऑप्शन ये आ रहा है। Real pain in the ass, but we'll do something good for the city one day. जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा ना इससे बदला लेने का भाई, उस दिन हम बदला लेंगे इससे। अभी इसकी बातें हम टॉलरेट कर रहे हैं बस किसी तरीके से। चलो भाई ठीक है। I saw here. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. तो भाई अभी ये हुआ है कि हम ना यहाँ पे प्लान बना रहे हैं जाके जैक एंड जो के अड्डे पे लड़ने का। और बीच में जो पीस कीपर लोग हैं उन्होंने मेरे को फोन किया और बोला कि ईटा और जो उनका लीडर, नया लीडर बना, उसने बोला कि जल्दी से आके मुझसे मिल, मुझे तुझसे बात करनी है कुछ। और भैया ये देखो वॉलेटाइल, अब साला वॉलेटाइल घूमने शुरू हो गए। ये तो भाई रिस्क वाला सीन है। और ये राइट यार, तो ये अरे हम इससे बात नहीं कर सकते जब तक एनिमीज नियर बाय। अब चले जाओ बे, चलो। Rumors have started. You found the Lazarus for me. They may suspect you of being a PK spy. तो हम थे तो यार पीके के स्पाई। तो ये कह रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो बैंडिट्स आके काल के पीपल को मारने लगे, और चलो काल के पीपल को मारा तो मारा, लेकिन इसको ये बात बुरी लग रही है कि सोफी अब कैसे मोर्चा कैसे संभाल रही है और रिटेलिएट कैसे कर रही है। और इसको ये लग रहा है कि माइट बी सोफी के कैंप में से किसी ने लेजरस, मतलब इनके कमांडर जो लूकस है, क्योंकि लेजरस उसका वेपन था, वो वहाँ पर मिला है, तो उसको मारा। Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. तो गाइज अब जो गेम जो है ना वो अब दो पाथ पे चलेगी। अब सोफी का यूं दिखाया है कि सोफी की हम मदद भी करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ ये आ गए ये लोग। ये कह रहा है कि जो भी तू कुछ करेगा मेरे को प्लान करके बताता रहे, कि एक एक खबर चाहिए। हुई तो ये एक टाइप से स्पाई वाली हरकत हुई, और जैसे ही सोफी को पता चलेगा कि हम ये सब कर रहे हैं तो भाई वो भड़केगी और हम पे हमला हो सकता है। और ये नीचे जो है ये क्या है, ये का हिसाब किताब। अच्छा ये तो बैंड रेस्क्यू है ये तो, अबे रेस्क्यू बाद में करेंगे, रेस्क्यू बिल्कुल छोटा सा साइड मिशन, ओपन वर्ल्ड मिशन होता है। तो हम चलते हैं अभी और मिशन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। चलो भाई
ये हम आ गए, ये सारे के सारे जितने भी बाजार के मेल लोग हैं ना वो यहाँ पे आ गए। ये देखो ये क्राफ्ट मास्टर है, ये सोफी का भाई है, ये लौंडा भी है, ये भी काफी ज्यादा बाजार में इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं जो मर चुके हैं अभी तक, क्योंकि एटीआर ने हमें बताया कि इसकी जो मदर थी वो उनकी डेथ हो गई थी और उसकी डेथ का वो जिम्मेदार पीस कीपर को मांगती है, क्योंकि पीस कीपर एक ऐसी कम्युनिटी है इसमें जो अपने आप को आर्मी बताती है यहाँ की और कहती है कि हम बचाएंगे तुम्हें ज़ॉम्बीज से, जो तुम्हें बोला जाए वो करो, अपने से मत करो कुछ भी एक्स्ट्रा। तो वो टाइम पे पहुंचे नहीं होंगे और शायद वो मर गई होंगी। हाँ, तो उसकी मॉम मर गई थी और उसकी मॉम लास्ट विश यही बोल के गई है कि अपने ब्रदर का ख्याल रखना। तो अभी हमारी जितनी भी बातचीत इससे यही हुई है। और अब भाई ये पिटेगा, भाई ये पिटेगा। Should you be drinking this much before the mission, Barney? दारू पीना फुल। I got the toughest liver in Philidor. अच्छा, इसकी हालत देखी थी हमने जब तीन ज़ॉम्बी पड़े हुए थे इसके पीछे। There, on the rooftop. I'm watching you, Pilgrim. So guys, ये जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा का पूरा बैंडिट का इलाका है, ये फुल ऑन बैंडिट का एरिया है और इसमें बहुत ज्यादा लूट मिलने वाली है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिशन। हाँ भैया सोफी, ये एक एग्जांपल सेट करना चाह रही है, कह रही है कि जो जैक एंड जो के साथ अभी हम करेंगे वो पीस कीपर के साथ भी कर सकते हैं। काल और क्रिस्टल दो चीजें हमें अंदर मिलेंगी। काल इनका लीडर है और क्रिस्टल जो ट्रांजैक्शन के लिए लेके गए थे वो लोग। और ये देखो ये बैंडिट कैंप्स आ गए। यहाँ पे ये बताया कि कैंप का एक लीडर होता है। सो गाइस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर हम बायनोक्यूलर्स यूज करेंगे तो हम एंट्री पॉइंट देख सकते हैं और कैंप का लीडर कौन है वो देख सकते हैं, और जितनी जल्दी कैंप के लीडर को मारेंगे उतनी जल्दी बैंडिट कैंप हमारा हो जाएगा भाई। तो ये जो देख रहे हो आप जिसके सर पे हॉर्न है, ये वाले लोग अलर्ट कर देंगे लोगों को कि भैया हमारे ऊपर हमला हो गया है। और इनको चटकाने के लिए वैसे तो जनरली आपको एक तीर कमान चाहिए होता है और तीर कमान हमें अब तक मिल जाना चाहिए था, बट हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो इसने बताया कि अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हुई तो टैंगो मोटल पे रिट्रीट कर देंगे। चलो भाई, तो हमने थोड़ी बहुत चीजें बना नहीं, यहीं से स्टार्ट होगा। चलो भाई कोई नहीं, आज भाई हमारा फुल होने वाला है, फुल टेस्ट होने वाला है, मजा आने वाला है, फुल लूट मिलने वाली है, सबको लूटते हुए चलेंगे। ये ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी से लड़ने का हमारे टाइम नहीं है भाई, अपन नीचे चलते हैं जल्दी। तो ये दो हैं, इनके पास बढ़िया है, इनके पास वो नहीं है साइरन, ये ही अलर्ट नहीं कर सकते। लेट्स गो, बहुत ही खतरनाक एक्स है भाई ये। अरे हट जाओ भाई, जब तुम देख रहे हो मैं इंसानों को चटका सकता हूँ, तुम क्या चीज है बे। चलो बढ़िया बढ़िया, सबको लूट लेंगे जल्दी। ज़ॉम्बीज इनफैक्ट ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़ॉम्बीज थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हैं सैक्स से। चलो भाई लूटो लूटो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये स्टेल्थ स्टेल्थ आ गया है जिसमें हम ज्यादा ही खिलाड़ी हैं, हम अल्ट्रा मैक्स प्रो प्लेयर हैं स्टेल्थ के। भाई हमसे गंदी स्टेल्थ कोई नहीं कर सकता। ठीक है सोफी, पीस कीपर ने उनका सेफ हाउस अटैक कर दिया है पीछे से। ठीक है सोफी का, तो सोफी निकल गई है पीस कीपर के को डिफेंड करने के लिए और यूं बोल के गई है हमें कि तो यू हैव माय मैन, तो उनकी प्रोटेक्शन कर। सेव हिम मतलब काल को बचाओ और क्रिस्टल्स लेके आ जाओ। अरे यार ये फट जाएगा अगर मैं इसको मारूंगा, मैं चाहता नहीं हूँ आवाज करना। ठीक है, तो ठीक है सोफी वहाँ पे लड़ रही है पीस कीपर से और हमारे पास कोई अभी ऑप्शन आया नहीं है पीस कीपर को ज्वाइन करने का। अभी हमारे पास यही मिशन चल रहा है कि सेव काल और किल करना है भैया बैंडिट के लीडर को। ठीक है, हम कैंप में आ चुके हैं भाई और अब हम एक एक करके चटकाना शुरू करते हैं। उई ये बंद
ये बंदा अपना है भाई, ये बंदा अपना है ठीक है। और मेरे को दो सेकंड के लिए लगा ये वो है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बंदे ढूंढेंगे। ये उठा लेते हैं, 143 का डैमेज करेगा स्पीयर, ये वाला गुंडा है ठीक है। यहाँ तो कोई गुंडा नहीं है ठीक है, यहाँ कोई गुंडा नहीं है ठीक है। भाई ये चटक गया, कोई तो है, इसको मारेंगे। और ये हमने एक स्किल ऑन कर लिया, अब हम अपनी थ्रोइंग नाइफ से ऐसे करके वो कर सकते हैं, जल्दी से टेक डाउन कर सकते हैं। बट शायद एक नाइफ यूज हो जाती है उसमें। हाँ दोनों में ये कह रहा है, एक में कह रहा है कि किल जैक एंड जैक एंड जो लूटेनेंट, और दूसरे में कह रहा है कैम को लिबरेट करो। अरे 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 अरे, ये वो वाला भाई। नॉइस, हमने अपनी जो थ्रोइंग नाइफ है उसको अपग्रेड कर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, तो हम उनको ऐसे भी चटका सकते हैं अगर बाई चांस एकदम से हमें सामने से देख लिया तो। ठीक है भाई, भाई हो गया काम अपना, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी, बचे हुए हैं अभी भी, बचे हुए शायद। हो गया हो गया हो गया ना, हो गया नहीं हुआ। मुझे अभी तो यही, अरे हो गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, दैट मीन्स ठीक है, पता चल गया ठीक है। हमने जितनी कोशिश की थी भाई, हमको हमें पता है भाई, हम बहुत ही जबरदस्त टेल्थ प्लेयर है, तो इतना ही कर सकते थे। और यार दूसरी चीज़ इसमें ना, तीर कमान चाहिए होता है, तीर कमान अभी हमारा खुला नहीं है। तीर कमान अगर हमारा खुला होता तो हम दूर से ही उसको चटका सकते थे, पर पता नहीं क्यों हमने उस पर थ्रोइंग नाइफ फेंकी। कहीं असर करती है थ्रोइंग नाइफ, कहीं नहीं की। ठीक है फिलहाल के लिए अभी भी इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, सिर्फ थोड़े ही लोगों को पता चला था। ठीक है, इन लोगों को अभी पता नहीं है कि हम यहाँ पे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले को चटका दूँ, ऊपर वाले को, ताकि ये सायरन ना बजाए। और भाई कुछ ऊपर है, कुछ तो ऊपर है भाई। सबसे पहले ऊपर चल के देख के आते हैं कि क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार हमने अगर इसको मतलब लीडर को चटका दिया ना, तो फिर ये वाला ऊपर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो भाई, चलो गाइस, थोड़ी सी एनर्जी आज कम है, क्योंकि भाई अपने को बुखार है, जब से कोरोना हुआ भाई हर महीने बुखार हो जाता है। तो चलो भाई आगे चल के देखते हैं क्या मिलने वाला है, अगर हम पहुंच जाएंगे। भाई 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 ये वाली डर लग रही है। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, लेट्स गो। ये देखो भाई इसमें क्या मिलता है, इसमें एक तो सर्किट बोर्ड मिलता है हमें, और अगर हम यहाँ ये खोलेंगे ना, तो इसमें से हमें सर्किट बोर्ड मिलेंगे भाई, है ना, सर्किट बोर्ड ही मिलते हैं ना। हाँ ये सर्किट बोर्ड, ये हमारे को किसी उसमें काम आएगा। मिलिट्री टेक पॉइंट मिला है, और ये मिलिट्री टेक पॉइंट भाई किस में काम आएगा, ये आगे का थोड़ा आगे का खुल गया भाई। ये जो मिलिट्री का चेक पॉइंट, मिलिट्री का टेक पॉइंट है, इससे कुछ आगे चीज़ें खुलेंगी, तो अभी हमारे लिए वो अनलॉक हुआ है। कुछ तो कोई तो स्किल खुलेगी हमारी, या कुछ तो बहुत खतरनाक चीज़ खुलने वाली है हमारी। इसने देख लिया, इसने देख लिया ना, इसने नहीं देखा, नहीं देखा भाई अभी तक, नहीं देखा। अब देख लिया, अब देख लिया, अब तो देख ही। अब ये हमारा वाला है, चलो चलो आ जाओ सबसे लड़ेंगे, आ जाओ। तो ये बॉस है गाइस, और बॉस को ना हम वो नहीं कर सकते, पैरी नहीं कर सकते, हैवी अटैक्स इसके पैरी नहीं कर सकते, हमें उसको सिर्फ और सिर्फ डॉच ही करना पड़ेगा। बहुत तेज मारी है, हील कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगले हिट में हम अपन चटक जाएं। और क्या हम भाई ये तो मौका ही नहीं दे रहा साला, ये लंबा स्किप नहीं करने दे रहा। मैं वो देख रहा हूँ कि कहीं भाले वाला पड़ा हो, ये जैसे ये पड़ा है, 143 का डैमेज करेगा। चल भाई थोड़ा सा तेज चल दे। कुछ पड़ा फेंक के मारने वाला नहीं, कुछ नहीं पड़ा। आओ भाई आओ, ओके ओके, एक हम भी पावर अटैक मारने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो, एक और पावर अटैक मार। अबे मार, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, ये भी पावर अटैक पे वो कर लेते हैं भाई, डॉच कर लेते हैं। आ जा बेटे, क्या दिया तूने हमें? इसने हमें दिया है एक कोई ग्लव्स दिया है, बढ़िया सा पर्पल कलर का। और देखो ज़्यादातर कैंप्स को क्यों मारते हैं हम, कैंप्स को के लीडर्स को हम इसलिए मारते हैं
ये वाले रूम इस टाइप के रूम के लिए भाई, इस टाइप के रूम के लिए मारते हैं। और जल्दी से देखते हैं इस रूम के पीछे क्या क्या है। तो ये तो लेवल वन का कैंप है, आगे जाके बहुत हाई लेवल के कैंप होंगे। तो सोचो उसमें ये देखो भाई, अरे वाह, ये हमारे पास वेपन पहले से ही है बट सही है, हमारे को एक नया वाला मिल गया। और नए वाले में भाई 38 का डैमेज है, 38 का, पहले हमारे पास 37 का था एक, चलो कोई नहीं 38 का डैमेज है बट सही है। ये वेपन भी बहुत सही है, ये वेपन मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा था। हमें एरोज मिले भाई, एरोज के लिए हमें वो दे दो यार, अब तो टाइम हो गया हमारे, दे दो यार अब तो, दे दो, नहीं दे रहे, चलो कोई नहीं। आगे जाके हमें, मुझे लग रहा है खुद ही क्राफ्ट करना पड़ेगा। कितनी सारी हमें वो मिल गई है भाई, थ्रोइंग नाइव्स और थ्रोइंग नाइव्स के क्राफ्टिंग मटेरियल। नॉइस नॉइस नॉइस, एक बार टॉर्च ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या और पड़ा है। भाई भाई भाई, एक और कुछ पड़ा, एक और कोई नाइफ मिल गई है, शिव मिल गई है। 38 का डैमेज है, ये भी बढ़िया है। नॉइस, सही 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 चीज़ें मिल गई हैं, सही सही क्राफ्टिंग मटेरियल्स मिल गए। और देखो थोड़े से और मिस हो गए थे। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास गेम भी यही कह रहा है कि ऑप्शन दे रहा है कि अगर हमने ये फ्लैग को रेज कर दिया तो उसके बाद जितनी भी अंदर की लूट है वो सारी की सारी डिसअपेयर हो जाएगी। और हमने यार टाइम लगा के अच्छे से लूट लिया ऐसे, और एक आधा छोटा मोटा लूट रह गई होगी, वो तो ठीक है, वो चलता है। तो हम जल्दी से इसको क्लेम कर लेते हैं भाई। क्लेम करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? हाँ, आ गया आ गया आ गया। तो भाई ये देखो भाई, बहुत सही होता है इसके एनिमेशन। टाइम लग गया क्या? चलो भाई, पहला बैंडेड कैंप हमने क्लेम कर लिया है। अब ये हमारा सेफ हाउस बन जाएगा, यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी, और इसमें हमें एक टेक पॉइंट भी मिल गया भाई। नॉइस, और इसमें एक वो भी बिठा दिया, ट्रेडर भी बिठा दिया इन लोगों ने, बाजार वालों ने। तो भाई जितना हमने लूटा था वो सब हमने इसको बेच दिया, यही ट्रेडर था, यही मिल गया हमें, बहुत ही बढ़िया। और अब क्या करना है, अब हमें फ्री करना है काल को। काल कहाँ पे बंद है भैया? है कहाँ काल? काल किसी कोठरी में बंद करके रखा हुआ था उन्होंने। काल बाजार का लीडर था जो आके कह रहा था कि भैया तुम ये काल है, ये बड़ा चौड़ा हो रहा था। अच्छा हाँ, इनका इनके सोफी ने बताया था ना हमें कि अटैक हो गया उनकी कैंप हाउस, और उसने बोला था कि तुम जाओ और उस काल को बचाओ। और सोफी वापस ले गई थी कैंप में, अभी कह रहा है कि रेडियो करके बताओ भाई। सोफी, I have Carl. He's okay. What about you guys? Sophie? Are you there? So, अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि रेड किसने की है उनके कैंप में, कि क्या पीसकीपर ने की है या कोई और बंदे भी हो सकते हैं, क्या पता ये बैंडिट ही हो। और वेयर इज जैक एंड जो, वेयर शुड आई गो, इससे पूछते हैं वेयर इज जैक एंड जो पहले। They fled the camp as soon as they heard the sound of fighting. वो जैक एंड जो भाग गए भाई, जैक एंड जो नहीं था वो जो बैंडिट के लीडर को मारा था। I don't know exactly. Joe, मेरे को लग रहा है जैक एंड जो वापस उसके कैंप पहुंच गए, सोफी के कैंप। Station lately. Where should I go? Tango Motel. Sophie's hideout. Run. Go now. तो भैया सोफी के हाइड आउट जाके एक बार पता करके आते हैं कि क्या सीन चल रहा है। टैंगो मोटल, सोफी ने बोला था कि अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाए तो टैंगो मोटल पे मिलना। तो चलो भाई जल्दी से टैंगो मोटल चलते हैं। 20 मीटर पे इनहिबिटर भी है भाई। तो ये यहाँ पे बुलाया गया था। I heard some noises coming from Jack and Joe's little village. That's not all, Hakon. Sophie and Barney's hideout was attacked. It could be peacekeepers. यही बात है, उसको कह रहे हैं कि भाई शायद हो सकता है पीस कीपर भी हो सकता है। Don't get involved in this. Go back to the metro. We will share what we have with Aitor, and maybe he will let us pass. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया है कि अभी हमें ये नहीं पता कि एटीआर ने किया या किसने किया। 13 सेकंड मिले हैं और ये बोला गया है कि या तो पीस कीपर का साथ दो या बाजार वालों का साथ दो। दिल पे पत्थर रख के उनको करने दे, तुझे नहीं पता कि एटीआर ने किया है, जैक एंड जो ने किया है, किसने भी किया है। और बाई चांस पीस कीपर ने अगर किया हो और हम उसमें और वो बन जाए, हम तो भाई स्पाई बन के ही तो आए थे, लूकस कमांडर किसने मारा वही तो पता करने आए थे। तो अभी हमारे पास एकदम से ये हमने घुमा दिया है मिशन, और मिशन को कह रहा है कि जाके एटीआर को बताओ कि क्या क्या हुआ। I didn't go to the motel. You were right. There was something fishy about it. And it looks like you were getting close to the truth. Either they killed Lucas, or they know who did. We'll force them to talk.
How will you do that? By taking control of the water tower. Jack and Joe took off somewhere. Only stragglers left in the tower at best. This is the only source of water in the area. Ooh. And whoever controls the water controls old Villador. ठीक है भाई, तो आई गेस अब हमने बाजार से अपने हैंड्स जो हैं वो हटा लिए हैं। अब हम बाजार पे शायद वापस नहीं जा पाएंगे। आगे जाके कुछ फिर से जगहें मिलेंगी जहाँ पे बाजार वालों के हेल्प करने को बोला जाएगा, बट हम भाई पीस कीपर चल रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पीस कीपर चल रहे हैं, तो हम पीस कीपर के साथ रहेंगे इस वक्त और पीस कीपर के लिए अपना जो वाटर टैंक है उसको लिबरेट करके लाएंगे। गाइस इसी बात पे मैं अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में हम वो जो वाटर वाला है वो पीस कीपर के नाम करेंगे और देखेंगे भाई आगे की स्टोरी क्या है। गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस किस ने यहाँ तक देखा है। मैं चलता हूँ, मेरा नाम है बाबा, मैं खेलता हूँ वीडियो गेम। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।